आज नील भैया के काम से हम नैनीताल जा रहे हैं, ऊपर नील भैया का काम था। क्या कह रहे नील भैया? जब हेलमेट हटा दूंगा तब बनाना। ये हेलमेट कितना खतरनाक रहे, ये हेलमेट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक ले रखे हैं और ये हेलमेट अनसेफ है। मेरे ही हेलमेट से अगर मेरी हालत ये है तो ये तो फिर आप सोच लीजिए क्या हालत होगी। ये हेलमेट कृपा करके ना ही पहनिए कोई लोग, फुल फेस कवर वाला हेलमेट पीछे ताकि आप सेफ रहें ड्राइव के थ्रू। क्या कह रही हूँ मैं? टोपी जैसे तभी नहीं पहनता ना, अच्छी लगती है मेरे को, ज़्यादा लग रहा है देख के, देख के अभी क्या लग रहा है। तो फाइनली हम नैनीताल जा रहे हैं, बीच में हम शायद रास्ते में रुकेंगे, हमें थोड़ा सा काम था इसलिए ऑलमोस्ट अभी ऐसी जगह कोई प्लान नहीं कर रखी करके हम कहीं जाएंगे, बट आज फिलहाल के लिए हमें काम से जा रहे हैं। सो हमने सोचा करके आज कड़ी हम आपको दिखाएं कि आज हम दिन भर में क्या करते हैं। खतरनाक चलाते हैं, इनके ड्राइविंग स्किल बहुत लोगों को मात दे दे। कोशिश करते हैं कि हम इनको काबू में रखें और कहें कि आराम से चलाइए। ऐसा मत करो ना, ऐसा लगता है कि हैंगर पता नहीं कहे काले काम करके आए हो। अभी रास्ते में हमारी बाकी की टीम भी मिल गई है, अभी हमारे साथ हमारे फ्रेंड सर्कल भी चल रहा है, दोनों स्कूप टू व्हीलर में ही हैं। फाइनली अब हम जा रहे हैं नैनीताल को, शायद बीच में रुक के हमारा मीट चावल चलेगा। नील भैया मीट चावल चलेगा क्या? चलेगा। बस 20-25 मिनट ड्राइव के बाद हम थोड़ा यहाँ पे मीट चावल खाने के लिए रुक रहे हैं। ये काफ़ी फेमस है इनका चंदन मीट चावल, शिकार भागने लगा। किस्मत अच्छी होगी तो चावल मीट चावल होगा यहाँ पे। भैया है अभी बच्चा? अच्छा कैसे हो रहा है? ऊपर पाया वाया काफी अच्छा हो रहा है। फाइनली हमने खाना खाने के बाद अब हम बैक ऑन द ट्रैक नैनीताल को जा रहे हैं। हमारा साथ वाले आगे ऑलरेडी निकल चुके हैं, अब नील भैया ले चलो। ओके जितने भी बार आऊँ मज़ा बढ़ता ही जाता है। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए नैनीताल, अभी हम फिलहाल वेट कर रहे हैं बाकी टीम का, उसी के बाद हम प्लान करते हैं आगे क्या करना है।
यहाँ पे बिल्कुल ऑसम वेदर हो रखा है, काफ़ी धूप निकली हुई है और अच्छा लग रहा है। फिलहाल के लिए मैंने कब अपना स्वेटर भी उतार दिया है क्योंकि इतना ही ज़रूरत नहीं है, जब जहाँ पे छाँव होगी वहाँ पर ही शायद ठंडा होगा। एंड अभी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो गर्म ठीक लग रहा है। अरे डॉक्टर साहब भी आए हमारे साथ, ये तो हमें पता ही नहीं था। डॉक्टर साहब, ओह माय गॉड, यू आर हियर, पहुंच गए। अरे हमारे प्यारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमें ना ही लेना वीडियो में और दिखने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हम वहाँ खबर पड़ गई तो हमारी कब पड़ जाएगी हमारी जिंदगी में, हमारी घरवाली। अरे भैया अगर काम करने के बाद हम फिलहाल के लिए अभी हिमालय दर्शन की ओर को जा रहे हैं। भैया अरे भैया हम हिमालय दर्शन जा रहे हैं, खुरपाताल। हाँ तो हम फिलहाल अभी खुरपाताल जा रहे हैं, काम ऑलमोस्ट हो चुका है इनका। जिसको पता नहीं है नील भैया जेई है इलेक्ट्रिक फील्ड में बिजली विभाग में और ये काफ़ी शौकीन आदमी है, शौकीन मतलब घूमने के उससे, और इनका और काफ़ी रोमांटिक किस्म के इंसान भी है हमारे भैया। घूमने का बहुत शौकीन है, रोमांटिक का बहुत शौक है इनको, और क्या कहते हैं इन्हें मोस्टली सारा उत्तराखंड कवर कर रखा है एंड सिटी के स्टेट के बाहर भी, और इनका यही है करके पूरी इंडिया के कोने कोने में जाके ये अपना वीडियो शूट करें और घूमें, यही इनका शौक है फिलहाल के लिए। अभी आईफोन भी ऑर्डर कर दिया है, आईफोन कब आ रहा है आपका? लैब में आ रहा है और वो यहाँ से नहीं मंगा रखा है, बाहर से मंगा रखा है। दिमाग तो बहुत तेज है इनका, अपने फ्रेंड से कहकर इनने बाहर से मंगा रखा है जिसमें काफ़ी इनको 20-25 हज़ार का 50,000 का डिफरेंस मिल रहा है। हम यहाँ पे बिग बिलियन सेल के उससे ले रखा है। सही है, अभी हम खुरपाताल की तरफ जा रहे हैं, सोचा था करके बाहर निकलते हैं, कुछ सेम रूट फॉलो करके बोर हो चुके थे तो अभी थोड़ा बाहर आ रखे हैं। क्या कहते हैं हमारे साथ हमारी टीम भी है, उनको थोड़ा क्या कहते हैं घूमना फिरना हो रखा है, बस ऐसी डे टू डे डेली लाइफ में यही होता है। और सरकारी जॉब और एक बिरला जिम्माना यही होता है घूमना फिरना, सब करना है, सब करना है, एक लाइफ है, सब कुछ करना है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं उनको कंप्लीट करते हुए जाना है, लाइफ एक ही बार मिलती है, यही सोच के हम चल रहे हैं आगे। एक गोल बचा है हॉर्स राइडिंग सीखना, इनको हॉर्स राइडिंग भी सीखनी है, मतलब हॉर्स राइडिंग हाथी राइडिंग ये भी तो चीजें होती है, हॉर्स राइडिंग बहुत, उसके लिए रामपुर जाना पड़ेगा, हल्द्वानी में कुछ नहीं अवेलेबिलिटी। हाँ ये तो है, तो मैंने चेकआउट किया सबसे नज़दीक मुझे रामपुर पड़ रहा है, तो मुझे बहुत जल्दी रामपुर जाना है। उन्होंने अपने प्लान्स तो बता दिए और मेरे प्लान्स तो इन्हीं के साथ प्लान बन रहे हैं अभी फिलहाल के लिए।
अनिल भैया से कहा है हाँ करके, जहाँ भी जाएंगे साथ में चलेंगे, जहाँ पर भी जाना होगा बता देना मुझे, मैं पहले से ही एडवांस बुकिंग जो भी करनी होगी मुझसे पहले ही बुक कर लो। हम चलते हैं घूमने, कहीं पर भी आप कहोगे ऑल ओवर द इंडिया प्लेस रेडी हैं। पासपोर्ट मैंने रिन्यू होने के लिए दे रखा है, तो फिलहाल अभी हम यहीं पर जितना हो सके यहाँ पर ही रुकना है, एंड नेक्स्ट देखते हैं आगे को कहाँ कहाँ जाते हैं। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं कोलकाता और वहीं पर देखते हैं। फिलहाल आप नज़ारे व्यू का नज़ारा देखिए आप कैसा है चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी ठंड भी बढ़ गई है ऊपर खाते आते। फिर भी हम कहाँ पे हैं? हम लोग के सुसाइड पॉइंट पे, यहाँ पर से बेहतरीन व्यू दिख रहा है और यहाँ पे विंटर लाइन दिख रही है और नीचे एक खुरपा ताल है। उड़ते हुए ब्लॉग बना दे, फ्लाइंग बीस्ट देखो हम कूदने की खराबी। अरे यहाँ मत देखो, नीचे चलो। ए अमरूद खा लो, मैं अमरूद खा लूँगा। नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो। नीचे ना, अरे नीचे तो नहीं है, नीचे नजारे को देखने के लिए मंदिर से आए। चेतन भाई ने दिखाया नजारा, ये छमिया पीछे से बड़ी बोल रही है, ये छमिया कौन है भाई पेड़ के पीछे? बैठो हटो हटो। ये हमारे डॉक्टर मेरी यहाँ का